लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 10 बजे से कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होगी। कैबिनेट में एक दर्जन विभागीय प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें मानसून सत्र के अनुपूरक अनुदान पर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही यूपी में फिल्म दृश्यम को भी टैक्स फ्री किया जा सकता है। तो तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। मानसून सत्र के अनुदान पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी में फिल्म दृश्यम को भी टैक्स फ्री किया जा सकता है, इस बात पर भी आज चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। तो अखिलेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं। मॉनसून सत्र के अनुपूरक अनुदान पर चर्चा संभव है आज की कैबिनेट की बैठक में। मॉनसून सत्र के अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 22,000 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है और 5,000 तदर्थ कर्मचारियों को भी तोहफा मिल सकता है। नियमित किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सचिवालय के कर्मचारियों को भी आज बड़ा तोहफा मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है। वेतनमान बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है बैठक में। वेतनमान बढ़ोतरी के लिए कमेटी को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। कमेटी ने उच्चतम वेतनमान की सिफारिश की है। तो वहीं यूपी में फिल्म दृश्यम भी टैक्स फ्री हो सकती है। रामपुर में कूड़े से बिजली बनाने वाला संयंत्र को मंजूरी मिलेगी। तो मुरादाबाद में आधुनिक वधशाला को मंजूरी मिलना संभव है। मुरादाबाद में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक वधशाला बनाई जाएगी। इसके अलावा बेगम अख्तार पुरस्कार के मानक में संशोधन की संभावना है। कैबिनेट में नए मार्गदर्शी प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ करीब आधा दर्जन सेवा नियमावलियों पर भी चर्चा संभव है। पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन पर भी चर्चा संभव है। पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में भी संशोधन की संभावना है। इसके अलावा पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली में भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एसआई इंस्पेक्टर सेवा नियमावली में भी बदलाव होगा और सचिवालय कंप्यूटराइज सहायक नियमावली में भी संशोधन संभव है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी मिलना संभव है। और अगर उसे हम खबर जहां सपा राज्य संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संगठन के निचले स्तर पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि सपा की राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है, सुबह 11 बजे बैठक की जाएगी, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संगठन के निचले स्तर पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि सपा राज्य संसदीय बोर्ड की अहम बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें संगठन के निचले स्तर तक की चर्चा होगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि सपा की राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है, सुबह 11 बजे सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी, पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो वहीं संगठन के निचले स्तर तक पर भी चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे अवैध हथियारों का कारोबार और फर्जी वोटर लिस्ट का मामला बढ़ता जा रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां फरुखाबाद और जौनपुर की है। फरुखाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां चुनाव के लिए अवैध असलहे तैयार किए जाते थे। वहीं जौनपुर में 8 लाख फर्जी वोटर थे। फर्जी वोटरों की लिस्ट मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए बात करते हैं फरुखाबाद की। जैसे जैसे पंचायत चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे अवैध असलहों का निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहा है।
इसी सिलसिले में छापेमारी कर फर्रुखाबाद के कायमगंज में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से बने और अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए हैं, साथ ही चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का भी कहना है कि इस फैक्ट्री में पंचायत चुनाव के लिए हथियार तैयार किए जा रहे थे। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर भकुसा के पास जंगल में पहुंची और वहां एक झोपड़ी से असलहे बरामद किए। साथ ही अवैध असलहे बनाने के आरोप में गौतम राजपूत, हृदेश उर्फ जंजाली, जंग सिंह उर्फ जगदीश और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास एक तमंचा, 315 बोर और 15 अधबने तमंचे, बैरल की नाप के लिए कारतूस का खोखा और तमंचा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और पुर्जे बरामद। और अब खबर जौनपुर से, जहां फर्जी वोटरों की लिस्ट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ जौनपुर जनपद में अब तक करीब 8 लाख फर्जी और बोगस मतदाताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। फर्जी मतदाताओं की खबर से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। खबर सामने आने के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने 21 ब्लॉक के अंदर आने वाली 5,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का पुनः परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं डीएम के आदेश पर 7.5 लाख फर्जी वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। अक्टूबर महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के आसार हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है, लेकिन जिस तरह से फर्जी और बोगस मतदाताओं की लिस्ट सामने आई है उससे प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, मतदाता पुनरीक्षण की कार्रवाई, और इसमें जनपद में अब तक लगभग 8 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो या तो डुप्लीकेट थे या मिसिंग थे या फिर वो कहीं शिफ्ट थे। तो लगभग 8 लाख वोटर्स के अभी तक नाम जो पुराने वोटर लिस्ट में थे उनके नाम काटे गए हैं। और आगरा से हम खबर, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल है। बिजली गुल होने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बाल रोग विभाग में रात भर बिजली नहीं थी। बिजली नहीं होने की वजह से रात भर सड़कों पर बैठे थे परिजन और 3 बच्चों की मौत हो गई। इस वजह से आपको बता दें, बुरी व्यवस्था है और बिजली गुल रही है रात भर, जिससे 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बाल रोग विभाग में रात भर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से परिजनों ने अपनी रात सड़कों पर बैठकर काटी है। शिव चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए फोनलाइन पर। शिव, रात भर बिजली नहीं थी, एक बड़ी लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए प्राची, बताना चाहूंगा, आगरा के एसएम मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी माना जाता है, उसमें बालरोग विभाग में देर रात लाइट गुल हो गई और उसके बाद पूरी रात लाइट नहीं आई, जिसमें जो भी परिवारजन अपने बच्चों को एडमिट करा भर्ती थे वो सभी लोग बाहर निकल आए। सूत्रों की अगर माने, अगर परिजनों की माने, तो बताया जा रहा है कि बिजली ना आने के चलते उन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके चलते बालरोग विभाग में 3 बच्चों की मौत हो गई। सभी परिवारजन इकट्ठे होकर अपने अपने बच्चों को बाहर निकाल लाए और पूरी रात सड़कों पर बैठे नजर आए। इस बारे में अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया और इस बात की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। आखिरकार किसकी लापरवाही से ये 3 बच्चों की मौत हुई है और लाइट ना आने का क्या कारण रहा है, कोई भी बताने को तैयार नहीं हुआ। जी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी के लिए। सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने सूबे भर में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा के जरिए कार्यकर्ता अखिलेश सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बस्ती में साइकिल यात्रा में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ साइकिल यात्रा धक्का यात्रा बनती जा रही है। यहाँ यूथ ब्रिगेड की तरफ से निकाली गई साइकिल यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष साइकिल यात्रा में साइकिल पर बैठे हुए हैं और पीछे से कुछ लड़के उनकी साइकिल में धक्का मार रहे हैं। फिलहाल उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देते नहीं बन रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, तो साइकिल रैली 5 तारीख से पूरे प्रदेश में चल रही है। सीतापुर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर महमूदाबाद कस्बे में उस समय सनसनी मच गई जब एक लड़की का शव थाने के टॉयलेट में दुपट्टे से लटका हुआ मिला। खबर फैलते ही थाने और थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवती अपने भाई से किसी बात पर खपा होकर घर से चली गई थी और घर नहीं लौटी। सुबह परिवार को उसकी महमूदाबाद कोतवाली में लटकी हुई लाश मिलने की खबर मिली है।
वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मृतक एक नहर में खुदकुशी की कोशिश कर रही थी, जिसे पुलिस वाले बचाकर थाने लाए थे, लेकिन थाने में लड़की ने टॉयलेट जाने की बात कहकर टॉयलेट में ही दुपट्टे से फांसी लगाई। परिवार वालों ने पुलिस वालों पर सीधा आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से ही उनकी बेटी की मौत हुई है। उधर भीड़ के आक्रोश को देखते हुए थाने में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस और भीड़ के बीच हुए बवाल में फायरिंग से एक लड़के की मौत हो गई। वहीं सीएम के निर्देश पर मृतक के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जो तीन पूछे खाने वाले कहीं की नहीं, यहाँ कोई नहीं है, अच्छा मैं मॉडल कोई नहीं। उसके बाद मिली कहाँ? अब मिली तो थाने में मिली, बैठा ले घर से, हमारे मोर्चे पर जब पकड़ लेंगे। जोनल आईजी लखनऊ को मौके पर प्रातः ही रवाना किया गया था और वो अभी इस वक्त वहीं सीतापुर में ही हैं। और अभी ये जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा हल्का बल का इस्तेमाल किया गया है और जो घटना में लोग इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है थ्रू वीडियोग्राफी। और मौके पर इस वक्त तो शांति है, लेकिन अभी जो बाकी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा वहां पर संपादित की जा रही है। और आगरा से हम खबर, जयसिंह मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल है। बिजली गुल होने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बाल रोग विभाग में रात भर बिजली नहीं थी। बिजली नहीं होने की वजह से रात भर सड़कों पर बैठे थे परिजन, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें बिजली गुल थी रात भर, बच्चों के जो विभाग होता है उसमें रात तक बिजली गुल थी, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। जबकि जो परिजन थे वो रात भर सड़कों पर बैठे रहे, रात भर सड़कों पर बैठकर अपनी रात गुजारने को मजबूर थे परिजन, क्योंकि बिजली गायब थी। एसएन मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही बरती गई है। बिजली गुल होने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में रात भर बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। और जो परिजन थे, जो बच्चों के साथ मौजूद थे, वो भी रात में सड़कों पर अपनी रात गुजारने पर मजबूर थे, क्योंकि बिजली नहीं थी, रात भर बिजली गुल रही है। क्या कारण से बिजली गुल रही है इस पर भी कोई भी बोल नहीं पा रहा है। तो आपको बता दें कि बिजली गुल है, जिसकी वजह से परेशान लोग। सबसे पहले तस्वीर आप समाचार पत्र पर देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से रात गुजारी है परिजनों ने अपने बच्चों को साथ लेकर। परिजन मजबूर हैं, सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि रात भर बिजली गुल थी। अंदर घुटन और गर्मी की वजह से परिजन बाहर सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। तो किस तरीके से खस्ता हालात हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। खस्ता हालात और लापरवाही जो है वो सामने आई है एसएन मेडिकल कॉलेज की। प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था सामने आई है। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव इलाके में एक स्कूल में मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित की उम्र महज 3 साल की है और आरोपी की उम्र महज 6 साल है। इस मामले में स्कूल प्रशासन की भूमिका बेहद नकारात्मक रही। स्कूल प्रशासन ने एक तरफ पीड़ित बच्ची और आरोपी छात्र का नाम स्कूल से काट दिया, साथ ही और उसके भाई बहनों के स्कूल से निकाल दिया है। ये मामला मड़ियाव के रामानुजम पब्लिक स्कूल का है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर समेत छात्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है, जमीन ही उसके लिए रोजी रोटी होती है और जमीन ही उसका जमीर। लेकिन मथुरा और झांसी में किसान जमीन की जंग लड़ रहे हैं। मथुरा में जहां किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर राष्ट्रपति से फांसी की गुहार लगाई है, तो वहीं झांसी में किसान अपनी ही जमीन पर अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें अपनी मर्जी से अपनी जमीन बेचने का, उस पर कर्ज लेने का अधिकार मिले। मथुरा में गोकुल बैराज के किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 साल से अपने मुआवजे के लिए लगातार संघर्ष कर रहे किसानों ने एक बार फिर हुंकार भर प्रशासन और शासन की नींद हराम कर दी है। गोकुल बैराज के पीड़ित किसानों ने अपने मुआवजे की मांग को पूरी न होने पर लामबंद होकर राष्ट्रपति से फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की।
मथुरा में यमुना नदी पर बने गोकुल बैराज के 17 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। किसान अपनी जमीनों के मुआवजे के लिए लगातार संघर्ष और आंदोलन करते चले आ रहे हैं। 10 महीने पहले भी आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था। एक बार फिर बड़ी संख्या में लामबंद हुए किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। किसानों की मांग है कि या तो उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए या पीड़ित सभी 25,000 किसान परिवारों को राष्ट्रपति फांसी की सजा सुना दे। उधर झांसी में 30 गांव के किसान कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये किसान अपनी जमीन पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। इन किसानों की हालत ये है कि ना तो ये अपनी जमीन अपनी मर्जी से बेच सकते हैं और ना ही खेती के लिए कर्ज ले सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध के समय झांसी के बबीना में 30 गांव के हजारों किसानों की जमीन सेना के युद्धाभ्यास के लिए ली गई थी, लेकिन विस्थापित किसानों की समस्याएं अब तक दूर नहीं की गई हैं। वहीं इस मुद्दे पर डीएम का कहना है कि पुनर्वास के जमीन पर किसान को मालिकाना हक देने का मामला नीतिगत है, इस बारे में शासन को निर्णय लेना है और शासन को इस बारे में पत्र भी लिखा जा चुका है। उधर बरेली के बारादारी इलाके में एक शादी में जमकर हंगामा हुआ। बारात की नकरौसी के समय पड़ोस में रहने वाले सपा नेता ने अपने बेटों के साथ घर में घुसकर हंगामा किया, बारात में फायरिंग की और महिलाओं से मारपीट भी की। गुस्साए बाराती दूल्हे के साथ जगतपुर चौकी पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस की तरफ कार्रवाई का भरोसा मिलने पर लोगों ने हंगामा बंद किया और दूल्हे से जगतपुर चौकी में आरोपियों के खिलाफ तहरीर ले ली गई। मैं जो था शेप बनवाने गया हुआ था और ये घर पे आया हूँ तो उन्होंने मेरी माँ को मारा, बाप को मारा और ये मेरे भाई हैं लियाकत भाई, इन्हें मारा, मेरी बहन के ऊपर हाथों छोड़े। सब लोग घर में घुस गए और हथियार रॉडे वो जो होती हैं सब निकाल के मारने की कोशिश करी गई इन लोगों ने, और इन लोगों को बहुत समझा के रखा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा वो कर रहा, सबको मारा है। हमारे कर्न कह दिया था बारात नहीं जाने दूंगा, आज उसने अपनी हसरत पूरी कर ली। आज उसने कह दिया कि हाँ लेके जाओ बारात, कैसे लेके जाओगे, और हमें मारा, सीने बाहर चलाया, हमारी लौंडिया को मारा। उधर चिंदौली के मुगलसराय में मकान मालिक की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मकान के नए मालिक ने कई सालों से किराए पर रह रहे परिवार को जबरदस्ती बेघर कर दिया, जिसके बाद तीन बेटियों सहित पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया। ओम प्रकाश भारती का परिवार मुगलसराय के इस मकान में पिछले कई सालों से रह रहा था। बताया जाता है कि इसी बीच इस मकान को पुराने मकान मालिक ने बेच दिया और नए मकान मालिक ने ओम प्रकाश को घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया। इन लोगों ने मोहलत मांगी लेकिन नया मकान मालिक नहीं माना और सोमवार को दोपहर जबरदस्ती घर का सामान बाहर फेंकवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन घटना के 12 घंटे बाद आधी रात को मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपीओ ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की, खाना पूर्ति की और चलते बने। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में एक बदमाशों ने एक फार्मासिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर आधे घंटे बाद घटनास्थल पहुंचे इलाके के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो त्रिशुंडी गांव के रहने वाले प्रमोद सिंह, बंटी सिंह, मनीष सिंह और पिंकू सिंह ने आकर अखिलेश यादव को डांट डपट कर मौके से भगा दिया, जिसे अखिलेश अपनी कार से अपने घर रामगंज पहुंचा। पीछे से मनीष सिंह, पिंकू सिंह, प्रमोद सिंह और बंटी सिंह ने आकर अखिलेश की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें अखिलेश को गोली लगने से वो घायल हो गए। बंटी सिंह जो राम का आज मारे तमाचा हम तब में दबा कर रखे वह भैया भाग के हमने बाजार आई है कौन तरीका हमारे बाजार में आज रिंकू सिंह कैप्टन स्त्री और प्रमोद सिंह, मनीष सिंह, बंटी सिंह, एक जने भैया और रहे दिखोली नरेंद्र सिंह का नाम उनका बहुत ना चीनी लेकिन उनका हम चीने भैया लाइट पड़ी हम चीने ये सब आज गोली मार लगे हमारे गाड़ी पे हम भागा कीन भैया लेकिन हमारे गोली लाग गए तो हम गिर पड़े। फलपट्टी के नाम से विख्यात सहारनपुर के बेहद इलाके में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है। वन विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत से वन माफिया सड़ौली हरिया और उसके आसपास अवैध रूप से
हरे पेड़ों को बिना किसी परमिशन के काट रहे हैं। वन माफियाओं के इस कारनामे से कल्पक की तबाह होने की फिराक में है। वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं कि ये लोग बिना किसी रोक टोक के हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ठीक रेंजर को इंसान अलग से पैसे दिए।